आज की क्लास में हम क्या देखेंगे, क्लैंप ऑन एमिटर क्या होता है. ओके तो ये क्लैंप ऑन एमिटर क्या है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्लैंप मीटर. राइट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्लैंप मीटर. तो ये क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ये किस लिए यूज किया जाता है आपका क्लैंप ऑन एमिटर. देखो ये किस लिए यूज किया जाता है, एमिटर और अ इंस्ट्रूमेंट विच डायरेक्टली मेजर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर विदाउट एनी कनेक्शन इज नोन एज क्लैंप ऑन एमिटर. ठीक है, विदाउट एनी कनेक्टिंग एनी एक्स्ट्रा इंस्ट्रूमेंट टू दिस कंडक्टर वी कैन मेजर द करंट फ्लो थ्रू दिस कंडक्टर. ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना होगा, अगर हम किसी कंडक्टर का करंट मेजर करना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इस क्लैंप ऑन मीटर से हम एमीटर से हम क्या कर सकते हैं, इसे मेजर कर सकते हैं. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्लैंप मीटर. ठीक है, तो क्या होता है क्लैंप ऑन एमीटर, क्या होता है, इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर विदाउट इंटरप्टिंग द सप्लाई. ठीक है, ये इसका डेफिनेशन हो गया आपका. क्योंकि देखो अगर हमें कोई भी किसी भी चीज का करंट मेजर करना होता है तो हमें एमीटर को क्या सीरीज में कनेक्ट करना पड़ता है, राइट. लेकिन इसमें क्या करना पड़ता है, इसमें हमें ऐसा नहीं करना पड़ेगा. ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम किसी भी लाइव कंडक्टर का क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट करंट मेजर कर सकते हैं. और एमीटर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किसी भी सर्किट को हमें पहले डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, सीरीज में उसके साथ एमीटर को हमें कनेक्ट करके देन हम करंट उसका मेजर कर सकते हैं. लेकिन इसमें ऐसा नहीं करना पड़ता. तो देखो ये इसका क्या है, बेसिक सर्किट डायग्राम है आपका क्लैंप ऑन एमिटर का. तो क्या होता है, जो क्लैंप ऑन एमिटर होता है, क्लैंप ऑन एमिटर कंसिस्ट ऑफ ए करंट ट्रांसफॉर्मर. ठीक है, ये क्या होता है, एक करंट ट्रांसफॉर्मर होता है विद अ सिंगल कंडक्टर इज यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद अ ब्रिज रेक्टिफायर. ठीक है, इज यूज्ड विद कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रिज रेक्टिफायर एंड अ डीसी मिली एम्पियर. दिस मिली एमिटर, दिस इज अ डीसी मिली एम्पियर, मिली एमिटर, सॉरी, दिस इज अ डीसी मिली एमिटर टू मेजर द करंट फ्लोइंग थ्रू, टू मेजर द करंट डायरेक्टली विदाउट एक्चुअली इंसर्टिंग द मीटर इन द सर्किट. ठीक है, ये क्या करता है, आपका जो क्लैंप ऑन एमिटर होता है, इसमें क्या होता है, आपका करंट ट्रांसफॉर्मर होता है. ठीक है, करंट ट्रांसफॉर्मर होता है, और जो करंट ट्रांसफॉर्मर का करंट जो ट्रांसफॉर्मर होता है वो क्या होता है, उसका जो कोर होता है, आप जो कोर देख रहे हो वो क्या कर सकते हैं, उसे हम स्प्लिट कर सकते हैं, इसे हम खोल सकते हैं. यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये कट, यहां से हम क्या कर सकते हैं, इसे स्प्लिट कर सकते हैं. ठीक है, द कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर कैन बी स्प्लिट विद द हेल्प ऑफ ट्रिगर स्विच. हम ट्रिगर स्विच के हेल्प से हम इसे क्या कर सकते हैं, इसे हम स्प्लिट कर सकते हैं, ताकि हम जो जिस कंडक्टर का हमें करंट मेजर करना है वहां से हम इसे इंसर्ट कर सके इसके अंदर की ओर. ठीक है, ठीक है, तो क्या होगा, द कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर कैन बी स्प्लिट विद द हेल्प ऑफ ट्रिगर स्विच. एक स्विच होता है, अगर उसे प्रेस करेंगे तो वो क्या होगा, आपका जो कोर का जो भी कोर है, जो आपका कोर ट्रांसफॉर्मर का जो कोर है वो क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद क्या होगा, देयरफॉर द कोर कैन बी क्लैंप्ड अराउंड अ लाइव वायर लाइव कंडक्टर टू मेजर द करंट. और क्या हो जाएगा, इसके अराउंड क्या हो जाएगा, क्लैंप हो जाएगा, जिसका आपको क्या करना है, करंट मेजर करना है. ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया. तो ये आपका क्या है, ये प्राइमरी, ठीक है, दिस वन इज सेकेंडरी. जो आपने सीडी ट्रांसफॉर्मर लगा रखा है तो वो क्या होगा, जो हम क्या करते हैं सेकेंडरी के लिए क्या करते हैं, एक अलग से वाइंडिंग प्रोवाइड कर देते हैं, और प्राइमरी जो आपका कंडक्टर है वो एज अ प्राइमरी आपका वर्क करता है. ठीक है, समझिए. तो क्या होता है कि व्हेन द इंस्ट्रूमेंट इज क्लैंप्ड ऑन अ कंडक्टर, जब आप इंस्ट्रूमेंट को क्लैंप करते हैं किस कंडक्टर पे जिसका आपका करंट मेजर करना है, देन द कंडक्टर इटसेल्फ एक्ट एज अ प्राइमरी. तो आपका जो कंडक्टर है वो क्या करता है, प्राइमरी की तरह एक्ट करता है. ठीक है, राइट. और ये जो सेकेंडरी होता है वो किससे कनेक्टेड होता है, आपका एक ब्रिज रेक्टिफायर से कनेक्टेड होता है, और ब्रिज रेक्टिफायर आपका डीसी मिली एमीटर से कनेक्टेड होता है. ठीक है, समझ गए. तो ये देखो इसके बाद क्या होता है, तो यहां पे क्या होता है, जो आपका सेकेंडरी होता है पहले क्या किससे कनेक्टेड होता है, आपका ब्रिज रेक्टिफायर से कनेक्टेड होता है. ब्रिज रेक्टिफायर आपका क्या करता है, ऑल्टरनेटिंग करंट को आपके क्या करता है, डायरेक्ट करंट में, दैट इज द डीसी करंट में वो कन्वर्ट करता है. रेक्टिफायर किस लिए यूज होता है, रेक्टिफायर इज अ सर्किट, रेक्टिफायर इज अ कन्वर्टर विच यूज टू, रेक्टिफायर आप क्या है, रेक्टिफायर इज अ इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट कन्वर्ट्स द ऑल्टरनेटिंग करंट इनटू अ
डीसी करंट, दैट इज अ डायरेक्ट करंट, ठीक है। क्योंकि यहां पे हम क्या यूज कर रहे हैं, डीसी मिली एमीटर यूज कर रहे हैं, तो इसलिए हमें क्या चाहिए, डीसी करंट चाहिए। तो हम क्या करते हैं, एक रेक्टिफायर यहाँ पे यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है, रेक्टिफायर हमने सेकेंडरी से रेक्टिफायर को कनेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पे एक डीसी मिली एम्पियर कनेक्ट कर दिया, एमीटर कनेक्ट कर दिया, जिसके थ्रू जो आपका कंडक्टर का जो करंट होगा यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। यहां तक समझ गए, तो ये हमारा क्या था, आपका क्लैंप ऑन एमिटर। तो इसमें क्या हो रहा है कि इस अरेंजमेंट में आपको क्या मिल रहा है, बेसिकली क्या हो रहा है कि इसमें हम अपने सर्किट को क्या करना पड़ रहा है, हमें ब्रेक नहीं करना पड़ रहा है इन ऑर्डर टू मेजर द करंट, ठीक है। हमें किसी भी कंडक्टर का करंट मेजर करने के लिए इसमें सर्किट को हमें क्या करना पड़ रहा है, इंटरप्ट नहीं करना पड़ रहा है, हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट मेजर कर रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज अगर मान लो कि आप किसी सर्किट का अगर करंट मेजर करना चाहते हो, किसी ब्रांच में आप करंट मेजर करना चाहते हो, तो उसके सीरीज में आपको क्या करना पड़ेगा, एमीटर लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो एमीटर लगाते वक्त आपको क्या करना पड़ेगा, सीरीज मतलब आपके सप्लाई को शट करना पड़ेगा या फिर अपने सर्किट को डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, सीरीज में एमीटर आपको इंसर्ट करना पड़ेगा, यू हैव टू कनेक्ट द एमीटर इन द सीरीज। जिस ब्रांच का आप करंट मेजर करना चाहते हो, इन दैट ब्रांच यू हैव टू कनेक्ट द एमीटर इन सीरीज, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस ब्रांच में आपके आपके एमीटर को सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, आपके सर्किट को इंटरप्ट कर रहे हैं, राइट। तो इस इंटरप्शन से बचने के लिए वी आर यूजिंग दिस क्लैंप ऑन एमीटर। क्लैंप ऑन एमीटर में क्या होता है, आपका एक डीसी मिली एमीटर यहाँ पे कनेक्टेड होता है। हमें क्या करना है, किसी भी चीज को हमें क्या करना पड़ता है, मतलब डिस्कनेक्ट नहीं करना पड़ता, उस कंडक्टर को आप क्या करो, यहां पे क्लैंप कर दो, उसके बाद क्या होगा, आपका करंट मेजर हो जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आपको सर्किट को इंटरप्ट करने की, ब्रेक करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो इसमें आप क्या लिख सकते हो कि दिस अरेंजमेंट अवॉइड्स द नेसेसिटी ऑफ ब्रेकिंग द सर्किट इन ऑर्डर दैट करंट मेजरिंग डिवाइस बी इंसर्टेड इन सीरीज विथ इट टू मेजर द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट, ठीक है। अवॉइड करते हैं जो हम मतलब मीटर से कनेक्ट, एमीटर इसमें कनेक्ट करते हैं सीरीज में, उसे हम अवॉइड करते हैं, ठीक है। अब देखो, हम यहाँ पे शंट रेजिस्टेंस को चेंज करके हम क्या कर सकते हैं, आपका जो डीसी मिली एम्पियर का जो रेंज है, जो डीसी मिली एमीटर का जो रेंज है, उसे हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, बाय चेंजिंग द शंट रेजिस्टेंस ऑफ मिली एम्पियर सर्किट रेंज कैन बी ऑप्टेंड फ्रॉम, कहां से कहां तक रेंज चेंज, 0 to 5 एम्पियर से लेके 0 to 6 एम्पियर तक, 600 एम्पियर तक हम इसकी रेंज को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, बाय चेंजिंग दिस शंट रेजिस्टेंस, ओके। बाय चेंजिंग दिस शंट रेजिस्टेंस वी कैन चेंज द रेंज ऑफ डीसी मिली एमीटर, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट क्लैंप ऑन एमीटर। ये क्या था, आपका क्लैंप ऑन एमीटर था, जिससे हम क्या करते हैं, आपके सर्किट को बिना इंटरप्ट किए हम किसी भी कंडक्टर का करंट मेजर कर सकते हैं, ठीक है।